ये क्या है? अनुज अभी तक आए क्यों नहीं? वैसे तो समय से पहले पहुंच जाते हैं, फिर आज तो आधे घंटे से ज्यादा हो गया है। कहां रह गई है? जिंदगी रेत है, हाथ से फिसल जाएगी। जो भी करना है कर, वरना निकल जाएगी। मौत आई तो थी मगर टल भी गई, पर क्या भरोसा कल भी इसी तरह टल जाएगी। जिंदगी रेत है, हाथों से निकल जाएगी। जो भी करना है कर, वरना निकल जाएगी। हम आने वाले कल के लिए प्लान करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आने वाला कल शायद कल कभी आए ना। मेरे पास जो भी है वो आज है, अभी, और अभी मेरी जिंदगी में अनुपमा है। इसलिए पहली बार मौत से डर लगा है अनुज। जिंदगी को सेकंड चांस देने के लिए थैंक यू। जिंदगी में अनुपमा का साथ देने के लिए थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। फोन क्यों नहीं लग रहा है? कहां रह गई है? सॉरी, वो आपको तो कभी देर नहीं होती। फिर आज सब ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? एहसास हुआ है कि मेरी जिंदगी की मेरे लिए क्या अहमियत है और मेरी जिंदगी से मैं कितना प्यार करता हूं। चले? हाँ? आओ। क्या हुआ? कुछ नहीं। अमेजिंग। वाह, मजा आ गया। पता है मैंने वहां मीटिंग में कुछ क्यों नहीं खाया? क्योंकि मुझे पता था तुम टिफिन लेकर आने वाली हो, और जब तुम्हारे हाथ का बना खाना मिलेगा तो मैं कुछ और क्यों खाऊं? अनुपमा, तुमने कुछ नहीं खाया? मैं बाद में खा लूंगी, मन नहीं है अभी। आप खाइए ना। थैंक यू। वैसे घर में सब सही है? सही तो नहीं है, पर कम से कम आज वहां शांति है। पता है अगर मामा जी होते तो क्या कहते? शांति कौन छे, मने रिमेम्बर छे।
मानो या ना मानो, लेकिन शाह हाउस होल्ड में अगर कोई सबसे खुश इंसान है तो वो मामा जी है। पूछो क्यों? क्यों? अरे क्योंकि उनको पिछला कुछ याद नहीं रहता ना, सफा चट। वो आज में जीते हैं, आज की बात करते हैं। That's how it's supposed to be। पता है, गुजरा हुआ पल यादें होता है और आने वाला पल उम्मीदें। और ये जो बीच में गुजर रहा है ना अनुपमा, ये असली जिंदगी है। हम अक्सर गुजरे कल की गलतियों पर अफसोस करते रहते हैं, आने वाले पलों के लिए प्लान्स बनाते हैं और इन सब में आज में जीना भूल जाते हैं। साहिर साहब ने एक पुरानी फिल्म में बहुत ही अच्छा गाना लिखा है, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। I love you, Anupama. I love you, Anupama. I love you, Anupama. सुबह मेरा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट? और मेरी जान चाहते चाहते बची है। मौत के मुंह से वापस आया हूं मैं अनुपमा। क्या? वो कहते हैं ना कि आखिरी वक्त पे जब मौत सामने खड़ी हो तो इंसान की नजरों के आगे उसकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है, और उस पल में मेरी नजरों में सिर्फ तुम्हारा चेहरा था। तुम मेरी पूरी जिंदगी हो। आज समझ आया कि अगर मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बताए बिना इस दुनिया से रुखसत हो जाता तो मेरे साथ इस जन्म में बहुत सॉलिड फ्रॉड हो जाता अनुपमा। आज रियलाइज हुआ कि मौत कभी भी किसी को भी आ सकती है, इसलिए जो करना है आज करना है, और जो कहना है अब कहना है। इसलिए मैं आज तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के कहता हूं कि I love you Anupama। तू धड़कनों का तार है, तेरी सादगी तेरा श्रृंगार है। खामोश था बरसों से पर अब कहता हूं मुझे तुमसे प्यार है। गंगा की लहरों जैसी, मन की दोपहरों जैसी, मंदिर जहां हर मोड़ पे, उन गांव उन शहरों जैसी, तू रूठना चाहे अगर तो तुझको ये अधिकार है। खामोश था बरसों से पर अब कहता हूं मुझे तुमसे बहुत प्यार है। मैं हमेशा सोचता था अनुपमा कि यह बात तुम्हें सही वक्त पर कहूंगा,
लेकिन आज देखो, आज रियलाइज हुआ कि ये बात जिस वक्त भी तुमसे कहूंगा वही वक्त इस बात को करने का सही वक्त होगा। प्यार पहले भी था अनुपमा, प्यार आज भी है। उम्मीद ना पहले थी और ना आज है, पर ये बात तुमसे करना बहुत जरूरी था, क्योंकि ना जाने क्यों कहने में मैं अक्सर देर क्यों कर जाता हूं। मुझे याद भी नहीं कि मैंने अपने माँ बाप से शायद कभी कहा हो कि मैं उनसे कितना प्यार करता था या कितना प्यार करता हूं। एक रिश्ता और भी था जहां मुझे बोलना चाहिए था, लेकिन मैंने वहां भी कहने में देर कर ही डाली। लेकिन आज नहीं अनुपमा, ये बात मुझे तुमसे कहनी ही थी। ये बात कहने में मैं देर नहीं कर सकता था, तुम्हें पता था, मगर फिर भी मेरा तुम्हें बताना मेरे लिए बहुत जरूरी था। अनुपमा, ये पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है आज तक का, और वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें ये बात बताए बिना अब शायद मर भी नहीं सकता था, या मरना ही नहीं चाहता था। हो सकता है तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, और मगर अनुपमा, आज सुबह मौत को इतने करीब से देखकर ना अचानक क्यों जीने का मन करने लगा। ये बात समझ में आ गई कि अगर किसी से भी प्यार करते हो ना तो इंतजार मत करना, जो भी दिल में है उसे कह देना। इसलिए कह दिया, सॉरी। उस दिन पापू जी ने कहा तो तब से कुछ अलग सा लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मन में कुछ हो रहा है। अनुज, अनुज, अनुज। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।